धाकड़ खबर बेखौफ सुमा बेबाक अंदाज धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। बिहार के रोहतास जिले की एक अदालत में उस समय हड़कंप मच गया, सनसनी फैल गई जब सुनवाई कर रहे जज महोदय को पता चला कि दिन दहाड़े आज उन्हीं के घर में डाकाजनी हो गई है, डाका पड़ गया है और बदमाश उनकी पत्नी व 5 साल की बेटी को घायल कर गए। तमाम माल दौलत लूटकर फरार हो गए हैं, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई है। इसके बाद तमाम अदालतों में कामकाज ठप हो गया, तमाम जज और वकील पीड़ित जज के घर की ओर दौड़ पड़े। मीडिया वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्हें तो ऐसा मौका चाहिए, तो वो भी मौके पर पहुंच गए और हर तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। यानी आप समझ गए होंगे कि बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसी के साथ दो तस्वीरों से आपको और रूबरू कराऊंगा जो बताएंगी कि बिहार में किस तरीके की कानून व्यवस्था चल रही है, पुलिस वाले किस तरीके से खुलेआम उगाही कर रहे हैं और नशे में धुत होकर ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जज महोदय वाली खबर से रूबरू हो जाइए। मुझे लगता है जज महोदय वाली खबर आपके सामने रखूं उससे पहले ये चेहरा आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा। ये हैं नीतीश कुमार, अपने आप को कहलाते हैं सुशासन बाबू। इनके दौर में बिहार पूरी तरह जंगल राज में तब्दील हो चुका है। लेकिन जानते हैं भूपू मीडिया जंगल राज बिहार में क्यों नहीं बताता है? क्योंकि भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं। अगर यही सरकार लालू प्रसाद यादव के साथ चला रहे होते नीतीश कुमार, तो रोजाना कहा जाता कि बिहार में जंगल राज चल रहा है। क्योंकि मीडिया को बोलते हुए अपनी औकात दिखाई देती है कि किसके सामने बोलना है किसके सामने नहीं बोलना है। खैर, ये जो तस्वीर आई है रोहतास जिले के विक्रमगंज इलाके से, जहां तमाम जज साहिबान रहते हैं, वहां दिन दहाड़े एक जज महोदय के घर में घुसकर बदमाशों ने डाकाजनी की है। पीड़ित जज का नाम महेश्वर नाथ पांडे बताया जा रहा है। आप उनकी जबानी, उनकी पत्नी की जबानी पूरी कहानी सुन लीजिए और सोचिएगा कि जब खुद पे गुजरती है ना तो पता चलता है कि पीड़ित क्या होता है। सर, घटना की जानकारी आपको कैसे पता लगी? फोन से ही दिए जो है, हम कोर्ट में थे इजलास पर, तो फोन इनका आया। फिर जो है अपना हम स्टाफ से बोले कि देखिए क्या बात है, तो बताया कि सर जो है घर में लूट हो गई है। तब जो है हम अपना वहां से फिर आए, तो हाँ ये लोग बताएं कि आपके कोर्ट जाने के पश्चात जो है 3 आदमी 9:30 बजे के लमसम आए और कहे कि सर नहीं है। तो कहें कि नहीं सर घर पे नहीं है, कोर्ट में है, 1 बजे आएंगे। तो लोग भूपेंद्र तिवारी का नाम बोले कि वो भेजे, पूछे कि कौन भेजा है, तो बताए कि भूपेंद्र तिवारी भेजे। तो कहें कि सर नहीं है, बात जो है अभी नहीं होगी, या जो भी मिलना होगा अब जो है बाद में मिलेगा। सर ये भूपेंद्र तिवारी कौन है? हमारी भाभी के चचेरे भाई हैं, लगेंगे रामपुर सलेमपुर जमानिया दरौली उनका घर है। तो फिर जो है अब आई, फिर उनसे पानी की मांग किया इन लोगों से पीने के लिए कि बेटा पानी मिलेगा, तो कहीं कि हाँ पानी मिलेगा। दरवाजा बंद करके ये लोग कहीं पानी लेने, तब तक वो सब छिटकिनी खोल करके अंदर आ गया और अंदर से दरवाजा बंद करके कट्टा भिड़ा दिया। कट्टा भिड़ा करके सब सामान दे दिया अलमारी अलमीरा से, और इन लोगों को समझ से मारा भी, बच्ची हमारी है लाडो उसको भी मारा सर। लूटपाट के इरादे से आए तभी तो लेके गए सर, ऐसे थोड़ी लेके गए। और मारपीटैया भी सब किए, जो शरीर पे जेवर था वो भी सब उतार लिए। छोटी बच्ची थी 5 साल की, उसको भी बहुत सब मारे पीटे। लगभग मैडम कितने की संपत्ति ले भागे वो? 50,000 नगद गया है और 2 कान में का है, 2 गले का है, 2 अंगूठी है, 3 जोड़ी पायल है। जब अपराधी आपके घर पे आया तो उस समय आपके घर पर कौन कौन से लोग मौजूद थे? कोई नहीं था, मैं थी और मेरे काम वाले की बच्ची थी और मेरी बेटी थी 5 साल की, 3 ही लोग थे। एक चीज होती है टोन, इनकी आवाज में उसे सुनने की जरूर कोशिश कीजिएगा जब आपके यहाँ पे कुछ हो जाता है और आप इंसाफ के लिए इसी थाने या पुलिस कोर्ट कचहरी जाते हैं, तो ये जज महोदय ये पुलिस किस तरीके से आपसे बात करते हैं। लेकिन आज जब इनके साथ ही वारदात हुई, शायद इनको ये एहसास हो कि आम आदमी के साथ क्या क्या हो रहा है बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर। खैर छोड़िए, कुल मिलाकर अब इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, आरोपी की तलाश की जा रही है। लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर से सामने आए पुलिस वाले के एक वीडियो की। जी हाँ, ये वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया है, उसी मुजफ्फरपुर से सामने आया जहां पे चमकी बुखार चलता है और बच्चों की मौत हो जाती है। यहां पुलिस वाला रिश्वत के लिए कैसे खुलेआम कह रहा है कि साहब बड़ा नोट है तो दे दो, हम छुट्टा कर देंगे और अगर रिश्वत नहीं दोगे तो साहब को बुला लेंगे। ये भी आप खुद ही देख और सुन लीजिए। और आप सर ये बात जान लीजिए कि हम लोग भी स्टाफी के लड़का हैं। ठीक है, बाहरी नहीं है। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो आपके रहते हुए सर हम लोगों को
अच्छा होना चाहिए बुरा होना चाहिए? नहीं नहीं अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए जी, अच्छा होना चाहिए जी। तो बोलिए क्या कह रहे हैं आप? कहे कि पर्सनल गाड़ी है तो ठीक है, हम नहीं कह सकते हैं कि मेरी गाड़ी। हम ये आपसे पूछे ना कि आपकी गाड़ी है या झूठ तो नहीं बोल रहा है, छीना हुआ गाड़ी है, ये हम आपसे पूछे। जो सिस्टम है सिस्टम में आपको आना होगा। बोलिए क्या, जाने दीजिए, चलान कटा लीजिए। चलान क्या कर लीजिए, चलान कटे काटिएगा लीजिए। आप मेहनत चाहे मेहनत फिर लीजिएगा सर, 200 रुपया लीजिए ना सर। हम लोग आप ही का लड़का है, आप ही का लड़का है, यही समझिए। फिर हमको बोलना नहीं पड़ेगा, का लड़का है, हाथ छोड़िए ना, हाथ छोड़िए, आप ही का लड़का है, दूध दीजिए ना, जाइए ना, रखिए ना सर, लाइए ना, हम जाने देते हैं आपको जल्दी। खुदरा नहीं है, विलम्ब नहीं है, पैसा सर नहीं है, खुदरा ना है, लीजिए ना, दूध आप दीजिए ना, आप गार्जियन है, जो भी है हमको जल्दी काम कीजिए, आने था हम सर को बुलाएंगे, इसी जगह नहीं है सर, इसी जगह लीजिए ना सर, आप लाइए ना, लीजिए ना, हम देते हैं खुदरा आपको, नहीं है तो हम खुदरा देते हैं, दो को हम लेंगे, बेसी नहीं लेंगे जी, नहीं है खुदरा, दो को हम देते हैं खुदरा आपको, नहीं है खुदरा, हम काट करके आपको देंगे, दो को लेंगे हम, जल्दी विलम्ब नहीं कीजिए, लीजिए ना सर, लाइए ना, दिखाइए मत, इस तरह से काम नहीं होता, ले लीजिए, लाइए, नहीं है खुदरा, लाइए ना, हम देते हैं आपको, हम काट करके आपको देंगे, खुदरा नहीं है सर, है देंगे आपको भजा करके, दो गो हम लेंगे, रख लीजिए, आप लाइए ना, रख लीजिए, आप लाइए, आप रख लीजिए, आप लाइए, रखिए ना, नहीं है मेरे पास। सोचिए जब ऐसे पुलिस वाले बिहार में घूम रहे हैं तो क्या जज सुरक्षित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अब इससे अगली एक और तस्वीर आई है मधेपुरा से, जो एक पत्रकार महोदय हैं उत्कर्ष, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है, जिसमें पुलिस वाला नशे में धुत है और किस तरीके की बातें कर रहा है, आप उसी के अंदाज में देख और सुन सकते हैं। क्या बोले भैया, मेरा वीडियो डालो, तुम्हारा हम देखेंगे कितना। ठीक ठीक ठीक, हाँ बोल, हम तुम्हारे सामने जवाब देंगे, इसने पूरा वीडियो बनाया है, जवाब देंगे। अरे अरे कोई बात नहीं, पत्रकार है, कोई बात नहीं, अरे तू कहाँ आता है, दिल्ली जयपुर किया था, कर लिया, क्या समझ, इंसान के नाते क्या समझ, यहाँ इंसानियत क्या होती है सबको पता है, हमने पूरा जवाब दिया नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, पूरा रिकॉर्डिंग कर, ठीक, और आपका रिकॉर्डिंग का भी जवाब हम देंगे, आपको बस क्या जवाब है, चलिए सही बात, नहीं आपका वीडियो चल रहा है हमको पता है, सही बात, और ये बेवकूफ भाई जो मेरे पास आया, हम इसको बोलते हैं, और जहाँ वीडियो नहीं चलता है वहाँ चलाते हो, जिस होटल पे आप बैठे हो क्या होता है आपको पता है? नहीं नहीं पता, क्यों नहीं पता, बताओ, हम भी पुलिस डिपार्टमेंट का है, सही बात, हम भी सिविल में, हम दिखाएंगे तो क्या है, हम क्या है वो बताएं, तुम अपनी रिकॉर्डिंग कर लो हम बताएं क्या, सही, हाँ बोलो कितना रिकॉर्डिंग करना है कर ले, हम बताते हैं, कल मिल जाएगा आपको, ये वीडियो बना, कल लाइव देखिएगा, लाइव रुपाएंगे, रुपाएंगे कोई बात नहीं सर, अब जहाँ भी ना, डर नहीं लगता, डर तो नहीं है लगता है, नीतीश कुमार के राज में डर नहीं है लगता, अरे नीतीश कुमार क्या, आपको जो हम आप हमें अभी फोटो खींचे हैं, आप वीडियो बना ले, हम जवाब देते हैं, हम तो दारू नहीं पिए, आप जो है पुलिस वाले को मतलब बना रहे हैं, मतलब आपके यहाँ कितना बनता है उसको देखिए, बनाइए, क्या बनाना चाहिए, सुन लिया आपने। तो ये तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो दिखा और बता रही हैं कि क्या ऐसे ही शराबबंदी की है नीतीश कुमार ने, और क्या इसी पुलिस के जरिए बिहार में नीतीश कुमार शराबबंदी लागू करवाना चाहते हैं, जो पुलिस वाले खुद टल्ली होके घूम रहे हैं। हालांकि जब पुलिस का राजनीतिकरण किया जाएगा तो पुलिस वाले भी ऐसे ही काम करेंगे, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगह पर पुलिस का बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है, उसको सिर्फ गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है कि जितना हम कहें उतना करो।
और उसकी ही वानगी है कि जज भी अब सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।